कि ऐसे महान विभूतियों को आज खुलेआम गद्दार कहा जा रहा है। इस देश का गौरव है शाहरुख खान, इस देश के भारत भारती की औलाद है शाहरुख खान। क्या इस देश में दलितों को जीने का अधिकार नहीं है? सारी मीडिया जो प्रधानमंत्री का महिमा मंडन करेगी अब इस देश में वही चलेगा। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर चाकू की बात कर रही है, ये गोदी ये दलाल मीडिया दिखा नहीं रही है। ये तुम्हारे बम गोलों और तुम्हारे पुलिस आर्मी से डरने वाला व्यक्ति नहीं है। हम लड़ाई लड़ेंगे और हम आशावादी लोग हैं, हम लगातार लड़ाई लड़ेंगे। और इन नफरत फैलाने वाले लोगों के खिलाफ, इन साध्वी, आज आप कहिए ना, रंग पे कह रहे थे ना कि बेशरम रंग, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर कौन सा रंग पहनती है? आज कोई उनका बायकॉट करने के लिए नहीं पैदा हुआ है। कोई माइका लाल है जो प्रज्ञा ठाकुर का बायकॉट कर दे? कोई माइका लाल पैदा हुआ है इस देश में जो चिन्मयानंद जो बलात्कारी है भगवा का भेष धारण करके उसके खिलाफ वो कह रहे रैप पहना है भगवे रंग का, उस रैप से दिक्कत है, रंग से दिक्कत नहीं। अरे साहब, इस देश की देखिए, जब लोकतंत्र मरता है किसी देश में तो सबसे पहले उसके महान विभूतियों की हत्या होती है, सबसे पहले उसके कलाकारों की हत्या होती है। आज आप बताइए ना, इस देश के पद्मश्री, इस देश के गौरव, भारत का नाम न केवल देश में विदेशों में रोशन करने वाले शाहरुख खान, ये हमारे लिए पीड़ा की बात है कि ऐसे महान विभूतियों को आज खुलेआम गद्दार कहा जा रहा है। साहब सुनिए, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिकता सम्मान किसको मिला है? प्रज्ञा ठाकुर को नहीं मिला है, अमित मालवीय को नहीं मिला है, यति नरसिम्हा को नहीं मिला है, शाहरुख खान को मिला है। इस देश का गौरव है शाहरुख खान, इस देश के भारत भारती की औलाद है शाहरुख खान। क्या बात करते हैं आप लोग। आज मैं देख रहा हूं एक व्यक्ति को जो सिर्फ मुसलमान होने का, खान होने का, ये क्या इस देश में मुसलमानों को जीने का अधिकार नहीं है? क्या इस देश में दलितों को जीने का अधिकार नहीं है? क्या इस देश में वंचित शोषित गरीब को जीने का अधिकार नहीं है? बाकी खान भी तो नहीं आए ना सामने, क्या खान के लिए दूसरे खान क्यों नहीं आए सामने? क्या खाना है साहब? आज तो कोई भी मीडिया हो, चाहे कोई भी आदमी आकर के इस देश में बोलना, इस देश में जनता मृत हो चुकी है, इस देश की जनता गूंगी बहरी अंधी हो चुकी है, इसको कुछ नहीं दिख रहा है। धर्म का ऐसा अफीम इनके सर चढ़ गया है। अरे बताइए ना, इस देश का युवा, क्या इस देश का जो छात्र है वो गद्दार है? क्या इस देश का छात्र देशद्रोही है? स्कॉलरशिप खत्म कर दिया इस देश के युवा का। क्या हिंदू विश्वविद्यालय, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, वहां का छात्र देशद्रोही है? क्या इलाहाबाद का छात्र देशद्रोही है? क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र देशद्रोही है? उनका जो है तुम कैसे वो खा गए, स्कॉलरशिप खा गए? कहाँ है छात्र? कहा जाता है जब सड़कें सूनी हो जाए तो संसद आवारा हो जाता है, तो कहाँ है आज छात्र? मैं वही तो कह रहा हूँ कि सबको जगाने की जरूरत है। आप बताइए ना, लोगों को डराया जा रहा है, मुकदमों के नाम पे डराया जा रहा है। मैं तो मुकदमे लेने, आप सुनिए, सबके पास ये साहस नहीं है। आज आप भी मीडिया के लोग हैं, आपको भी पता है कि किस किस तरीके से आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, किस तरीके से मैं आपका दुख समझ सकता हूँ। आप क्या बहुत खुश हैं? आप बताइए, ईमानदारी से आप बताइए ना, आपके ऊपर आपकी मीडिया अभी यूट्यूब के ऊपर ये लॉ लाने जा रहे हैं। सारी मीडिया जो प्रधानमंत्री का महिमा मंडन करेगी अब इस देश में वही चलेगा। आप लोगों के ऊपर भी बैन होगा, आप लोगों के ऊपर भी मुकदमे होंगे, आप लोगों को भी दबाया जाएगा, कुचला जाएगा। ये तो इस भारत की मिट्टी का जो है वो आशीर्वाद है कि हर युग में क्रांतिकारी भी तो मिले, इसमें बुराई भी क्या है? क्या देश को यशस्वी प्रधानमंत्री भी तो मिले? हाँ, युगो युगो में मिलते हैं ऐसे प्रधानमंत्री। हाँ, कपड़ों से पहचानने वाले प्रधानमंत्री युगो युगों में मिलते हैं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को मन से माफ न करने वाले प्रधानमंत्री युगो युगों से मिलते हैं। इस देश की पूरी संपत्ति को बेचकर खा जाने वाले प्रधानमंत्री युगो युगों में मिलते हैं। ये सौभाग्य की बात नहीं है, इस देश के दुर्भाग्य की बात है और इस देश का अभाग्य है। अभाग्य कहूंगा कि ऐसा प्रधानमंत्री इस देश को मिला है और ये देश को 200 साल पीछे ले जाने का काम कर रहा है। आज दुनिया AI की बात कर रही है,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रही है, मेटावर्स की बात कर रही है, आज क्रिप्टो करेंसी की बात कर रही है, ब्लॉकचेन, एक मिनट सुनिए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात कर रही है, 7G की बात कर रही है, साइबर वॉर की बात कर रही है, सैटेलाइट्स की बात कर रही है, और इस देश में देखिए साध्वी प्रज्ञा ठाकुर चाकू की बात कर रही है, चाकू पे धार देंगी। अरे दुर्भाग्य है इस देश का कि आज जिस देश से भाभा रिसर्च एटॉमिक सेंटर जैसा जो है इंस्टीट्यूशंस निकले, जिस देश से अब्दुल कलाम जैसे साइंटिस्ट निकले, आज उस देश से ये नफरती लोग जो है इस देश को, भारत को तोड़कर और पीछे ले जा रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है और मोदी है तो देश सब है। सबका नशा उतर जाएगा साहब, महंगाई आप ही के लिए है, महंगाई अतुल त्रिपाठी के लिए ही है, क्या आप जान रहे हैं? जनता मर रही है, ये गोदी ये दलाल मीडिया दिखा नहीं रही है, जनता मर नहीं, ये सच्चाई नहीं है। ये जब पेट्रोल पंप पे जा रही है जनता तो पेट्रोल पंप वाले से लड़ाई कर रही है, 100 रुपये का तेल आप भी भरा रहे हो, 1100 का सिलेंडर इस देश की जनता खरीद रही है, भुखमरी से इस देश की जनता मर रही है, बेरोजगारी से इस देश का किसान मर रहा है, नौजवान मर रहा है। NCRB का डाटा आया है साहब, जिस देश में हर रोज 28 किसान आत्महत्या करता हो, हर तीसरी लड़की का बलात्कार होता हो, हर चौथा युवा आर्थिक तंगी से आत्महत्या करता हो, उस देश में आप ये मत कहिए कि समस्याएं नहीं है। और आप 6 महीने और इंतजार करिए, ये जो नशा है ना ये बीजेपी का और संघ का, हम आशावादी लोग हैं, बिहार से खत्म हो गए, हिमाचल से खत्म हो गए, महाराष्ट्र में बैसाखी पर हैं, धीरे धीरे इस देश से ये तानाशाही का भगवा रंग खत्म हो रहा है, और भूख के विरुद्ध भात के लिए, रात के विरुद्ध प्रात के लिए, मेहनती गरीब जात के लिए हमने ली कसम, हम लड़ेंगे। लुट रही हैं आदमी की रोटियां, बिक रही हैं आदमी की बोटियां, किंतु सेठ भर रहे हैं कोठियां, लूट का ये राज हो खत्म, क्रांति के लिए जले मशाल, क्रांति के लिए उठे कदम, क्रांति के लिए उठे कदम। मोदी जी ही आने वाले हैं सर, आप कितना ही विरोध करिए, कितना भी बोलिए, आएंगे तो मोदी जी। हाँ तो आएंगे अगर मोदी जी, तो इस देश की जनता भुगत रही है, भुगतेगी। अगर आएंगे, मोदी नहीं आएंगे, चैलेंज है मेरा। हाँ देखिए बहन है, ये खुद ही कह रहे हैं, चैलेंज है, बड़े बुजुर्ग हैं। देखिए मोदी आएंगे ये आप लोग फैला रहे हैं, मोदी अगर मोदी किस नहीं से आए, चुनाव तो फिर आप लोग क्या कीजिएगा? अमित शाह भी कह रहे हैं 50 साल के चुनाव, 50 साल तक के लिए कौन है? देखिए इनकी बपौती नहीं है इस देश ने, और जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती हैं। अभी आप देख रहे हैं ये जो खामोशी आप देख रहे हैं, ये तूफान आने से पहले की खामोशी है। हम ये नहीं कह सकते हैं ये वीरों की धरती रही है, और हम जैसे आप जैसे क्रांतिकारी अभी सड़कों पर हैं, तो निराश ना होइए, आने वाला समय क्रांति का समय है और बलिदान का समय है, और इस देश में तीव्र और उग्र आंदोलन आने वाले समय में ये देश देखेगा। सड़कों पर तो राहुल गांधी भी है, क्या लग रहा है कि बदलाव होगा? नहीं, बिल्कुल बदलाव होगा, आप लोग को भी जाना चाहिए इस पवित्र यात्रा में, और जो भी व्यक्ति, राहुल गांधी ही नहीं, जो भी इस देश को जोड़ने का बात करे, जो भी आज देखिए लोग कह रहे हैं तपस्या, सच में वो एक तपस्वी के रूप में इस धरती पे आए हैं, और मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ क्योंकि आज जब सब कुछ खत्म हो गया है, जब इस पत्रकारिता खत्म हो चुकी है, जब देश के इंस्टीट्यूशंस खत्म हो चुके हैं, जब इस देश पर लगातार संविधान पर कुठारा घात हो रहा है, तब एक व्यक्ति निकला है और कश्मीर से कन्याकुमारी को अगर जोड़ने की बात कर रहा है, तो राजनीति से इतर उस व्यक्ति की बात सुननी चाहिए, उसको मौका देना चाहिए, क्योंकि राजनीति जो है वो सबकी होनी चाहिए, वो लोकतांत्रिक होनी चाहिए, और वो समय समय पर बदलनी चाहिए, क्योंकि अगर समय पर नहीं बदलेगी तो ऐसे ही तानाशाह पैदा होंगे और इस देश की जनता गुलामी और भुखमरी से मरेगी। जी धन्यवाद, जय हिंद।